नमस्कार, मैं हूँ दीपाली और अब चलते हैं आज के कुछ खास खबरों की ओर। में थाना स्टेशन क्षेत्र के बड़ोकर बिजली वितरण केंद्र पर ऑफिस में घुसकर कर्मचारी अधिकारी व ग्रामीणों ने हमला बोला। ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में डिलीवरी के लिए आई एक महिला की उसकी नवजात बच्ची की मौत। ग्वालियर के टैक्सी ड्राइवर को झांसी में लूटने वाले बदमाश सीसीटीवी में हुए कैद। और डीडानोली स्थित जन स्वर्ण मंदिर में पंचमेरु वेदी प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब समाचार विस्तार। मुरैना में थाना स्टेशन क्षेत्र के बड़ोखर बिजली वितरण केंद्र पर सुबह अधिकारी व कर्मचारी काम में व्यस्त थे, तभी ग्रामीण एक दर्जन से लगभग लाठी और डंडों से लैस होकर आ गए। उन्होंने ऑफिस में घुसकर कर्मचारी और अधिकारियों पर हमला बोल दिया, साथ ही वहां मौजूद वाहनों की तोड़फोड़ कर दी। कक्ष में रखे सामान को भी नुकसान पहुंचाया और स्टाफ की मारपीट भी की। इस मारपीट में एक लाइनमैन सुनील राठौर को गंभीर चोट आई है, जिसमें उसके हाथ में फ्रैक्चर होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार कल रात्रि भर लाइट न मिलने के कारण ग्रामीण गुस्साए हुए थे। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा थाने में जाकर मामला दर्ज कराया। नाराज बिजली कंपनी अधिकारियों ने सभी ऑफिसों की तालाबंदी करके काम बंद कर दिया है और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अचानक आए थे सब 8-10 लोग, उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया ऑफिसर, गाड़ी वगैरह कंप्यूटर वगैरह बहुत सारा नुकसान कर दिया सर। वहाँ पे और ये सर अंकल जी भी दे दिए सर, इनके हाथ में दर्द हो रहा है अभी भी। क्या आपकी डंडों से मारपीट की है? क्या लाठी आप जानते नहीं उन लोगों सर? दे के नहीं है सर मैंने। चलो आज बड़ोखर स्टेशन तो वहाँ पे जो है कुछ स्थानीय लोगों ने जा रहे रोजगारी कर्मचारियों के साथ मारपीट की, तो उसका मामला संज्ञान में आया है, जिसकी कार्रवाई करते हैं। जो उसमें दो जो बिजली कर्मचारी हैं वो घायल हुए और कुछ गाड़ी के जो बिजली विभाग की द्वारा एक पाँच वाहन की मौत उस संबंध में क्या मामला हुआ है? मारपीट हुई है बिजली घर में। सुबह बड़ोखर ऑफिस में कुछ लोग आए और लाठ से सीधे मारपीट करना, सामान तोड़ना, गाड़ियाँ तोड़ना, स्टाफ फर्नीचर तोड़ना, स्टाफ को मारना शुरू कर दिया होगा। इसमें दो कर्मचारियों की ज़्यादा चोट आई है, एक का फ्रैक्चर भी हुआ है, सर में भी चोट आई है। क्या समझे सर, क्या कारण हो सकता है? कोई कारण उन्होंने नहीं बताया। हम लोग लगातार बिजली प्रदाय के लिए रात को एक एक दो दो बजे तक भी लगातार फॉलो अप करते हैं, रात को सारी कंप्लेंट करके सोते हैं, रात को भी फोन आते हैं तो भी अटेंड करते हैं। अब कल बारिश हुई थी, कुछ कंप्लेंट थोड़ी बहुत बढ़ी थी, वो भी सारी हमने रात में कंप्लीट करा के उसके बाद सोने गए। सर आप पुलिस स्टेशन आए हो, किस तरह का मामला दर्ज हुआ है? इस तरह की घटना है, छोटे स्तर की घटनाएं हर जगह हमारे ऑफिसों में होती रहती है, आए दिन होती रहती है। आज चूंकि बड़ी घटना है, आसपास के सभी ऑफिसों में, ग्रामीण ऑफिसों में कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा दोष है, तो सब लोग इकट्ठे होके यहाँ तक आए। क्या सर आप आगे क्या सुरक्षा की आप मांग करते हो, किस तरह से? इसके लिए हमें भी प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह के माहौल में काम करना बहुत कठिन है। ग्वालियर के जयरोग अस्पताल परिसर में बने कमला राजा अस्पताल में उस समय हंगामा मच गया जब डिलीवरी के लिए आई एक महिला और उसकी नवजात बच्ची की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात लेडी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। महिला को कल शाम को ही केआरएच में भर्ती कराया गया था। जानकारी के मुताबिक चिन्नौर थाना क्षेत्र के भौरी गांव के रहने वाले नवल राठौर ने अपनी पत्नी पंदना को प्रसव पीड़ा होने पर बुधवार शाम को कमला राजा अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती करवाया था, लेकिन अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात लेडी डॉक्टर अस्पताल से नदारद थी। ऐसे में स्टाफ ने पंदना को भर्ती तो कर लिया, लेकिन ठीक ढंग से उसे ट्रीटमेंट नहीं मिल सका, जिसके चलते आज सुबह उसकी और उसकी बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक महिला पंदना के परिजनों में चीख पुकार मच गई और अस्पताल में हंगामे जैसी स्थिति पैदा हो गई। मृतका के परिजनों का आरोप है कि शाम होती अस्पताल में कोई भी जिम्मेदार डॉक्टर मौजूद नहीं रहता है, यहाँ ठीक ढंग से इलाज नहीं किया जा रहा है। साथ ही परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ पर धमकाने का भी आरोप लगाया है। सर हम भोरी गांव से आए सर, हम शाम के आए थे, शाम के आए के हमने अपने मरीज को एडमिट किया, ना यहाँ पे कोई डॉक्टर था ना कोई था, बस ऐसे ही एडमिट कर दिया सर, कोई इलाज नहीं हुआ किया सर डॉक्टर का हमारी मरीज का, और वैसे ही पड़ी रही पलंग पे और पड़े पड़े ऐसी हालत हुई कि आज डेथ हो गई सर बच्चों की, जैसा सुबह ही डेथ हो गई। किसकी डेथ हो गई? बच्ची की और माँ की, दोनों की साथ में। अब
क्या है, प्रबंधन क्या कह रहा है इस पर? प्रबंधन कुछ सर कोई देख भी नहीं आ रहा है ना कोई सुन रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है सर प्रबंधन, कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही बोला तो धमकी दे रहे हैं, जो मैं करता हूँ जो कर देना, हमें कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, मेरी ले जाओ उठा के। हम सर इसकी शिकायत जहाँ होगा जहाँ से शिकायत हुई वहाँ करेंगे, ऊपर से ऊपर तक जाएंगे शिकायत के लिए सर। 2 घंटे तक परिजनों का हंगामा अस्पताल के गेट पर चलता रहा। इस दौरान कोई भी डॉक्टर या स्टाफ मौके पर मौजूद नहीं था और कंपू थाना क्षेत्र की पुलिस भी मौके पर नदारद थी। बंदना के परिजन अब अस्पताल में ड्यूटी में तैनात डॉक्टरों की लापरवाही की शिकायत स्वास्थ्य महक से लेकर ऊपर लेवल तक करेंगे, जिससे डॉक्टर की लापरवाही से किसी की भी मौत न हो सके। जयरोग अस्पताल समूह के कमला राज अस्पताल में आए दिन डॉक्टरों की लापरवाही बरतने की खबरें सामने आती रहती हैं और कई मामलों में डॉक्टरों की लापरवाही के अलावा मरीजों के अटेंडरों से अभद्रता की शिकायतें भी कई बार थानों तक पहुंची हैं। लेकिन किसी भी मामले में आज तक किसी भी डॉक्टर को दोषी नहीं ठहराया गया और ना ही प्रबंधन ऐसे मामलों में गंभीरता दिखाता है। ऐसे में महिला और प्रबंधन के ऐसे रवैये से दूरदराज से आए मरीज चुपचाप या तो अपने मरीज को लेकर चले जाते हैं या फिर चुपचाप सब कुछ झेलते रहते हैं। अनुप सिंह भोपाल निवासी, उम्र 38 वर्ष, जिसे कल गंभीर अवस्था में कार्डियोलॉजी में एडमिट किया गया था, जिनकी रात को इलाज के उपरांत मौत हो गई। उसके परिजनों का आरोप है कि पागलखाने की लापरवाही से उनके बेटे की जान गई है, क्योंकि पागलखाने में उनके बेटे से उनसे मिलने तक नहीं दिया गया था। मैं अपने वीडियोग्राफर हूँ ना, सही जगह है तू। क्या नाम है? मेरा नाम है राजकुमार सेन। राजकुमार जी, हाँ जी, खाने में किस पद पर हैं? मैं बार बार पोस्ट पे हूँ। कैसे घटना का पूरा अनुभव सुन के कैसे? कल मैं सवेरे अपनी ड्यूटी पे 7:30-8 पे उपस्थित हुआ, तब मुझे जो कर्मचारी जो अटेंडर होते हैं वो गिनती कर रहे थे, गिनती में जो अनूप लेटरिंग में बैठा हुआ बैठे बैठे ऑटोमेटिक ये गिर चुका। गिरने के बाद फिर माँ की नर्सों को खबर दी तो फिर इसको 2 सिलेंडर लग चुके थे, इसको होश में लाया गया। जो होश में आ चुका था मतलब इतना आ चुका था कि मैंने इसको नाम से पुकारा अनूप, इन्होंने कि हाँ दादा क्या हाल है, मैंने सब ठीक है। तो फिर जी इसको अपन ICU लाए, कैजुअल्टी से ICU में लाए, तो वहाँ भी डॉक्टरों ने अच्छी तरीके से इसका उपचार किया था, जिसे शाम तक बिल्कुल चलना हो गया। कल शाम को अचानक 8:30-9 बजे ये बैठे बैठे अचानक गिर गया पलंग पर ही, फिर ये नहीं उठा। क्या लग रहा है कि हैवी डोज दवाई का? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, इसको सवेरे तो दवाई नहीं दी गई थी, इसको सवेरे तो दवाई हमारे यहाँ 7:30 बजे अचानक डॉक्टरों का कहना आप ICU ले गए तो क्या बताया, क्या बताया? डॉक्टरों ने तो कुछ नहीं, इसको अटैक बताया था कि इसको अटैक की कोई शिकायत है, ऐसा कुछ अटैक सा संप्रतित बता रहे थे। इसकी ECG वगैरह करवाई थी, तब इसको कार्डियोलॉजी में शिफ्ट किया गया, ये ICU के बाद वहाँ कार्डियोलॉजी में इसके हो गया अंतिम सांस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के कानपुर से मध्य प्रदेश के दतिया जिले में पूरे परिवार के साथ मंदिर दर्शन करने आए कपड़ा व्यापारी की रस्में तरह से गायब होने की घटना सामने आई है। कपड़ा व्यापारी गाड़ी ग्वालियर में पाई गई है, इसके बाद से ग्वालियर पुलिस और UP पुलिस मिलकर छानबीन के आधार पर कार्रवाई कर रही है। कानपुर के कपड़ा व्यापारी अजित केसरीवानी अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ 12 जुलाई को मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मंदिर दर्शन के लिए घर से निकले, लेकिन अगले दिन से ही परिजनों द्वारा फोन से बात न होने पर परिजनों ने जांच पड़ताल की, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद से कपड़ा व्यापारी की गाड़ी की लोकेशन ग्वालियर में मिली। ग्वालियर पुलिस ने और यूपी पुलिस की मदद से गाड़ी बरामद की गई, जिसके बाद छानबीन और जाँच पड़ताल जारी है और कपड़ा व्यापारी और उसके परिवार की खोजबीन जारी है। बात कर लीजिए।
अजय केसरवानी। केसरवानी जी कहाँ के हैं आप? कानपुर के। क्या पूरा मामला है आपके भाई का, कब से लापता है? 12 तारीख को निकले भाई साहब, मेरे बता रहे थे इलाहाबाद जा रहे हैं हम, तो 2 दिन में आ जाएंगे वापस। लेकिन 13 तारीख को हमने जब फ़ोन किया तो उनके फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है, सारे नंबर जितने सब बंद बता रहे हैं। तो फिर हम लोगों को लोकेशन ट्रेस करवाया तो झांसी लोकेशन की बता रहा था, तो हम लोग झांसी गए वर्धमान के होटल के सामने, तो वहाँ उनका मोबाइल बंद हुआ था। फिर हम लोग ने वहाँ सब ढूँढा डांडा, वहाँ पर पत्रकारों से मिले, वहाँ से बातचीत भई, तो जो है दतिया पुलिस से कॉन्टेक्ट हुआ, वो सब ढूंढ रहे थे वहाँ। सुबह जो है दूसरे दिन वापसी हो ली अभी हम लोग, सम्राट होटल भी गए थे देखने लेकिन वहाँ भी मिले नहीं हम लोग को। आज कहाँ गाड़ी मिली है? आज हमको गाड़ी यहाँ मिली ग्वालियर में स्टेशन सामने ब्रिज के नीचे। क्या लगता है आपको? क्या लगता है पता नहीं भैया, मालूम नहीं क्या फोन आया हो या कोई ऐसी बात? कोई फोन नहीं। कौन कौन साथ में था और क्या? पूरी फैमिली उनकी। कितने बच्चे थे उनके? 3 बच्चे हैं, मियाँ बीबी है, 5 लोग हैं। इलाहाबाद काहे के लिए? इलाहाबाद कोई रहता है उनका? कोई नहीं, रहते बहुत से लोग हैं लेकिन सबके पता क्या कहीं नहीं गए। ये पता क्या नहीं गए? क्या करते थे कहते हैं भाई आप? कपड़े की दुकान है, रेडीमेड कपड़े की व्यापारी है। परिजनों से संपर्क किया सारे सब लोगों से? सब जगह संपर्क है, कहीं नहीं मिले। अभी पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस वाले पुलिस क्या कर रही है? जो गाड़ी तो मिली गई है, आगे कार्रवाई कर रही है। दस्ते का लग रहा है भाई आपके काम में? कैसे होंगे भाई, संपर्क तो बढ़िया है भाई से, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। किसी तरह की कोई परेशानी? किसी नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। उपरीक्षक संतोष सिंह चंदेल, थाना सीसामऊ, जनपद कानपुर नगर से हैं। मेरे यहाँ पर दिनांक 15 जुलाई को गुमशुदी दर्ज हुई है, और ये अमित केसरवानी हैं। ये अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ दिनांक 12 जुलाई 2019 को 4 बजे शाम को निकली हैं गाड़ी से, और इनका हम यहाँ पर जांच में आए और यहाँ पे गाड़ी इनकी मिली हुई है। मनसापुर मंदिर जो है ये आपका देख रहे हैं, ग्वालियर में गाड़ी मिली हुई है। गाड़ी हमने अपने कब्जे में ले ली है और आगे की सब होटलों में चेक कर लिया है, मिल नहीं रहे। आगे कार्रवाई के लिए हम लोग लगे हुए हैं, जल्दी से जल्दी उनको हम घर वालों को। ये व्यापारी हैं, कपड़ा व्यापारी हैं, घर से बिना बताए चले आए हैं और फैमिली लेकर के, इनके परिवार के भाई हमारे साथ हैं और इनके साथ हम लोग उसको। कितने बच्चे लेके गए अपने? सारे बच्चे? हाँ, बच्चे इनके हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे साथ में हैं, पत्नी है ये लोग। हाँ, लगा हुआ है, हम लोग प्रयास पूरा कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी इनको हम कर लेंगे। इनकी स्विच ऑफ आ रहे हैं अभी, हम लोग लगे हुए हैं। घरवालों का लग रहा है? घरवालों को कुछ नहीं, घरवाले साथ में हैं, बता रहे हैं कि बताए नहीं, इलाहाबाद कह के निकले थे वहाँ से कि मैं इलाहाबाद जाऊँगा और यहाँ पे ये आशंका है कुछ मतलब गलत हुआ हो ऐसा कुछ? नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, जाँच में गुमशुदगी दर्ज है हमारे यहाँ सीसामऊ में कानपुर नगर में। फोन वगैरह कोई आया हो इस वक्त मरौती के लिए? ऐसा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं अभी आया है, ना कोई सूचना। आपने यहाँ से गाड़ी जब्त करी, गाड़ी में क्या क्या मिला? अभी कुछ नहीं, गाड़ी लॉक है, पूरी गाड़ी बंद है, लॉक है। इसको मैं पड़ाव थाने में दाखिल करूंगा, अभी क्रेन आ रही है, मैं ले जा रहा हूँ। डीडवाना उली स्थित जैन स्वर्ण मंदिर में गुरुवार को पंचमेरु वेदी प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश भर के जैन धर्मावलंबियों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र स्वर्ण जैन मंदिर डीडवान ओली कमेटी के तत्वाधान में आज गुरुवार को पंचमेरु प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्मित कांच के वेदी का शुद्धिकरण कर पंचमेरु जिन भीम को वेदी में स्थापित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंचमेरु मंडल के प्रतिष्ठाचार्य पंडित अजित कुमार शास्त्री के निर्देश के धार्मिक अनुष्ठान मंत्रों के साथ कलश स्थापना, अष्ट प्रतिहार की स्थापना की गई। विधान वेश धारण कर पंचमेरु के प्रथम सुदर्शन मेरु, दूसरे विजय मेरु और तीसरे अचल मेरु, चौथा मंदिर मेरु एवं पांचवे विगुत मेरु सहित पंचमेरु के 80 जनालयों में विराजमान भगवंतों के अनंत गुणों की वंदना की एवं मारने पर अग्रसर समर्पित किए। लंबाई अंतर सबसे पहले जम्मू जी का वर्णन करते हैं।
प्रतिष्ठा हुई है और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित हुए? आज इससे स्वर्ण मंदिर में जब से हम लोगों ने होश संभाला है तब से 3 मेरू देख रहे हैं, जबकि मेरू 5 होते हैं। जितने भी यात्री बाहर से पूरे भारतवर्ष से आते थे, जितने भी साधु मुनिगण आते थे, वो कहते ये 2 पंच मेरू और कहाँ हैं आप, ढूंढो। हमने कहा साहब भूरे सब जगह ढूंढ लिए, मेरे को नहीं, हमें पता नहीं लगा। तो बोले बनवाते क्यों नहीं हो, तो फिर हमने उसका बीड़ा उठाया कि हम इसको बनवाएंगे। बनवाने के लिए हमने काफ़ी मेहनत करी, फिर ये जाके मुरादाबाद में जैन मेटल्स वालों के यहाँ बने। बनने के बाद इनको करीब नवंबर दिसंबर में हम ले आए थे। इसके बाद हमने इनको वेदी बनवाना शुरू किया। इसकी वेदी बनवाने में 4-5 महीने लग गए। आज वेदी जब कंप्लीट हो गई तब हमने पंडित जी से इसका मुहूर्त निकलवाया। आज पंचमेरू मुहूर्त का, पंचमेरू विराजमान का दिन था। मंदिर में आज सवेरे विधान हुआ, विधान के पश्चात वेदी शुद्धि हुई, वेदी शुद्धि के बाद मेरू विराजमान किए अपन ने, और मेरू विराजमान के बाद छत्र चढ़ाए गए। तो आज सुबह से इसमें कौन कौन सी पूजन और क्या क्या कार्यक्रम? पंचमेरू की सबसे पहले तो अपने देवसाध गुरु की पूजा होती है वो हुई, फिर पंचमेरू की पूजा हुई, फिर पंचमेरू का विधान हुआ। सवलगढ़ नगर पर बस स्टैंड निर्माण के बाद से ही बदहाल स्थिति में है। निर्माण के नाम पर इसमें सिर्फ दुकानें बनाने का काम किया गया है, यात्रियों की सुविधाएं की हैं और ध्यान नहीं दिया गया है। आलम यह है कि बारिश होने से बाद बस स्टैंड परिषद दलदल बन जाता है, जहां से यात्री पैदल तक नहीं निकल पाते हैं। बस स्टैंड में सुधार के नाम पर नगर पालिका ने सिर्फ मुरमा बिछाने का ही काम अभी तक किया है, इसको पक्का करने की कवायद नहीं। वर्षों से स्थानीय लोगों द्वारा समय समय पर आंदोलन अभियान बस स्टैंड के कायाकल्प के लिए चलाए गए, इसका अभी तक असर देखने को नहीं मिला है। नगर पालिका द्वारा इसके लिए कागजी कवायदें जरूर की गई, लेकिन धरातल पर कभी नहीं इसका आ सका। नगर यह अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है, जहां से प्रतिदिन 1 से 100 यात्री बसों का संचालन किया जाता है। इसके साथ ही यहां से दूसरे राज्यों के लिए भी परिवहन होता है। आलम है कि बस स्टैंड में ना तो यात्री प्रतीक्षालय है और ना ही अन्य कोई सुविधा है। पूरा बस स्टैंड कच्चा पड़ा हुआ है, बारिश होने के बाद यह दलदल में तब्दील हो जाता है। जहां तक बसों में उतरने और चढ़ने के लिए भी यात्रियों को इसी दलदल के बीच से गुजरना पड़ता है। सवलगढ़ बस स्टैंड का निर्माण 1996-97 में किया गया था, तब से लेकर अब तक इसे पक्का नहीं बनाया गया है। दरअसल नगर पालिका के कार्यकर्ताओं ने मुरम को ही कमाई का जरिया बना दिया है। हर साल लाखों की मुरम बिछाई गई, लेकिन बस स्टैंड परिसर को पक्का नहीं कराया जा सका। स्टैंड में कीचड़ और दलदल जैसी स्थिति है। हमें चाहते हैं कि नगर पालिका इसको यथाशीघ्र इसका नवीनीकरण और पक्का करवा दे इसको, जिससे दलदल और कीचड़ यहाँ पे ना हो। इस संबंध में हम कई बार आंदोलन कर चुके हैं, ज्ञापन भी दे चुके हैं। नगर पालिका CMO महोदय को कई बार इसका आवेदन दे चुके हैं, कई बार SDM कार्यालय आवेदन दे चुके हैं। SDM कार्यालय तो बहुत दूर की बात है, कलेक्टर महोदय को भी आवेदन दे चुके हैं, PMO हाउस तक आवेदन पहुंचा चुके हैं। छोटी मोटी बात होती है CMO महोदय, लेकिन कलेक्टर महोदय और प्रधानमंत्री कार्यालय तक आवेदन पहुँच चुके हैं, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आप क्या चाहते, क्या हो इसमें CC हो जाए? CC होने के अलावा इसमें कहीं यात्रियों के लिए बैठने के लिए थोड़ा सा कुर्सी वगैरह लग जाए, पानी पीने के लिए हो जाए, किराया सूची वगैरह लग जाए, इतना हो जाए कि जो जनसाधारण है उनके लिए थोड़ी सी समस्या को राहत मिले। कीचड़ हो जाएगी तो शहर में समस्या है, जो धूल की वो समस्या समाप्त हो जाएगी। बसों के टायरों से जो धूल चिपक के जाती है वहाँ पर सूख जाती है, फिर वो पूरे शहर को प्रदूषित करती है। ग्वालियर के टैक्सी ड्राइवर को झांसी में लूटने वाले बदमाश CCTV कैमरे में कैद हो गए हैं। अब पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है। दरअसल ग्वालियर के रेलवे स्टेशन से बदमाश टैक्सी ड्राइवर विक्रम धाकड़ की टैक्सी किराए पर ले गए थे और झांसी में जाकर टैक्सी को कट्टे की नोक पर लूट लिया था। ये विक्रम धाकड़ है, आवेदक, इसने एक आवेदन पेश किया। इसका कहना ऐसा है कि ये कल परसों ये ओला टैक्सी का ड्राइवर है, ओला गाड़ी चलाता है, तो ऑल्टो कार थी इसकी, ओला में लगी हुई थी। तो कोई लोग, दो लोग उसको झांसी के किराए से करके लेके चले गए यहाँ पर, और झांसी में जाके इन्होंने इस पैसे पैसे मोबाइल और गाड़ी लूट के इसको भगा दिया। कट्टे की नोट पे ऐसे बता रहा है। पुलिस अभी आवेदन मिला है, जांच करने के बाद वैधानिक कार्रवाई करेगी। किस तरह के साक्ष्य सामने आए, कुछ भी जांच करवाई? अभी उसका ये कहना है कि कुछ फुटेज भी जाकर कैमरे वगैरह कुछ लगे हुए थे, उसका ऐसा कहना है। तो अभी तो आवेदन प्रथम दृष्टि हमारे सामने आया है, आवेदन प्राप्त करने के बाद जिस जगह बताया तस्दीक करेंगे सारी जगह की।
ग्वालियर भाजपा के विरोध को दरकिनार कर पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्मार्ट सिटी पर आला अफसरों को चाय पर बुलाकर चर्चा की। 3 घंटे तक चली इस बैठक में उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्यों की समीक्षा के साथ अफसरों से नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग जानी और इस पर बैठक पूरी मीडिया को दूर रखा गया था। ग्वालियर के जयविलास पैलेस में पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्मार्ट सिटी को लेकर ग्वालियर के अफसरों की बैठक बुलाई तो भाजपा ने पखेड़ा खड़ा कर दिया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी भी असंवैधानिक पद पर नहीं है, ऐसे में वह सरकारी कामकाज के लिए अफसरों की बैठक नहीं ले सकते हैं। जबकि इन सब विरोध को दरकिनार कर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कलेक्टर अनुराग चौधरी, SP नवनीत भसीन, स्मार्ट सिटी CEO महिप तेजस्वी, नगर निगम कमिश्नर संदीप माकिन को चाय पर चर्चा के लिए बुला लिया। पूर्व सांसद से मिलने के लिए कई सभी अफसर समय से पूर्व जयविलास पैलेस में मौजूद थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आते ही अपने समर्थकों से मुलाकात की, इसके बाद उन्होंने अफसरों से चर्चा शुरू की। जिले के सभी बड़े अफसरों के साथ हुई इस पूरी बैठक के दौरान मीडिया को दूर रखा गया था। इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मीडिया से ज्यादा खुलकर नहीं कहा, लेकिन ऐसी जानकारी थी कि पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर आगमन पर पड़ाव रेलवे ओवरब्रिज के दूसरे हिस्से का लोकार्पण कर सकते हैं, लेकिन भाजपा ने इसका पहले से ही विरोध शुरू कर दिया था। इसके बाद कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया, हालांकि इसके पीछे अफसर तकनीकी कारण बता रहे हैं। नहीं, ये खुल गया गेट। सर इधर से आइए, सर इधर से आइए प्लीज, सर आइए इधर से आइए, मैंने अच्छे अच्छा लगेगा सर। कोई बैठक नहीं थी, एक ऐसी चाय पे नॉर्मल डिस्कशन था, कोई भी आज गवर्नमेंट बैठक नहीं थी और नहीं, कोई बैठक आज थी नहीं, आज कोई बैठक चर्चा तो ऐसे इनफॉर्मल टॉक था, लेकिन कोई शासकीय मुद्दा नहीं था। हाँ हाँ, कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड कोई बैठक नहीं थी, नॉर्मल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनके साथ चाय पे चर्चा थी। एक सभी जो जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके साथ, सभी के साथ चाय पे चर्चा की गई थी। कोई भी बात नहीं हुई, कोई भी आज ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी और आज केवल आज चाय पे एक चर्चा थी, रूटीन से एक चर्चा थी। मुख्य समाचार एक बार फिर। थाना में थाना स्टेशन क्षेत्र के बड़ोकर बिजली वितरण केंद्र पर ऑफिस में घुसकर कर्मचारी अधिकारी और ग्रामीणों ने हमला बोला। ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में डिलीवरी के लिए आई एक महिला की, उसकी नवजात बच्ची की मौत। ग्वालियर के टैक्सी ड्राइवर को झांसी में लूटने वाले बदमाश CCTV में हुए कैद और डिडानोली स्थित जैन स्वर्ण मंदिर में पंचमेरु वेदी प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें, अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक लिए नमस्कार।